नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। महानार सीओ शिव शंकर गुप्ता का विदाई समारोह का हुआ आयोजन, नए सीओ रमेश प्रसाद सिंह का किया गया स्वागत। वैशाली जिला ब्यूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा के साथ प्रशांत प्रकाश की रिपोर्ट। वैशाली जिले के महानार प्रखंड सभागार में गुरुवार को महानार के प्रखंड विकास पदाधिकारी के अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह का आयोजन महानार सीओ शिव शंकर गुप्ता के तबादले को लेकर किया गया। इस दौरान महानार के जनप्रतिनिधि एवं कर्मियों ने निवर्तमान सीओ शिव शंकर गुप्ता को फूल माला के साथ अंग वस्त्र से सम्मानित भी किया गया। वहीं महानार अंचलाधिकारी का पद संभाल रहे नए सीओ रमेश प्रसाद सिंह का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने सीओ शिव शंकर गुप्ता की कार्यों का सराहना की। साथ ही इस दौरान सीओ शिव शंकर गुप्ता ने कहा कि पिछले 3 सालों में महानार की जनता का ढेर सारा प्यार और स्नेह मिला है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं अपनी पूरी लगन के साथ महानार की जनता की सेवा की है, ये मैं नहीं बल्कि मेरे जाने के बाद खुद लोग कहेंगे। इस मौके पर सीओ शिव गुप्ता, नगर कार्यपालक जगन्नाथ यादव एवं वीडियो डॉ सुदर्शन ने एक साथ किए गए कार्यों को गाना गाकर एक साथ बिताए पलों को याद किया। वहीं महानार सीओ का पद संभाला रहे रमेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अब हमें महानार की जनता को सेवा करने का मौका मिला है और इसे बखूबी तरीके से अपना कार्य करूंगा। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। अंचल अधिकारी के रूप में मैं यहाँ पर स्थापित हुआ हूँ और पूर्व अंचल अधिकारी महोदय है और इनके विदाई समारोह का भी आयोजन यहाँ के लोगों ने किया है और यह देख करके मैं काफ़ी प्रसन्न हुआ। यहाँ के लोगों की भावना, उनके जज्बात को देखने समझने का मौका मिला। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में जो मेरा कार्यकाल होगा, मैं अपने पूर्ववर्ती से भी बेहतर प्रदर्शन करने की सोचा। मेरा कार्यकाल यहाँ पे ये जनता बताएगी, जनता तय करेगी और विकास के कार्य में सरकार की नीतियों को लागू करने में मैंने कितनी सफलता पाएगी ये जनता तय करेगी। लेकिन मेरे तरफ से उसमें कोई भी कमी नहीं की गई है। मैंने तन मन और पूरे मेहनत के साथ इसमें अपने कार्यों को अंजाम दिया है। विशेष करके जो क्वारंटाइन कैंप चलाने के समय में या फिर विभिन्न योजनाओं के लिए सरकारी ज़मीन के ऊपर NOC देने के या लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए या शनिवार जनता दरबार के द्वारा जो भूमि निराकरण के लिए मैंने अपने स्तर से भरपूर सरकार की नीतियों को पूरा करने का अथक प्रयास किया है और ये सरकार का कार्य है हमारे कार्यों का मूल्यांकन करना और जनता इस वहाँ के कि मैंने कितना सफल रहा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि पिछला 3 साल यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोग, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कर्मी, यहाँ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी लोगों का काफ़ी अपार प्यार, सम्मान और सहयोग मिला, तभी मैं 3 साल यहाँ पे अपना कार्यकाल पूरा करके और बिना विवाद के अभी मैं जा रहा हूँ। इसके लिए मैं महानार की जनता को और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सदा हो जैसे आंधियां आएंगी, तूफान कराएगा बहुत, आंधियां आएंगी, तूफान कराएगा बहुत, फिर पानी के बहाव से गदर जाना कभी राह दुश्वार है, मंजिल तो मगर दूर नहीं, तेरे कदमों से निपट जाएंगी एक दिन, हर घड़ी साथ तेरे मेरी दुआएं होंगी, इस मंजिल से दूर निकल जाओगे पर याद बहुत याद कर सकते हो। करेगी दुनिया तेरा मेरा प्रसाद।